मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने क्या आतंकवाद कर दिया? मैंने कहा मोदी जी को, मोदी जी पिछले 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये कह, वो बच्चे समझ गए, वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहां भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो रॉ, बंद कर दो ईडी, फीडी, क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा।